हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन का डोरमेट मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देखिए और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा तो देखिए हमने दो प्रकार की उल ली है उल को हमने किया है डबल फोल्ड इस तरीके से क्योंकि ये काफ़ी पतला था तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है इसी से डोरमेट बनाएंगे बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा जिसके लिए हमने ली है ग्यारह नंबर की सिलाई तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने फंदे डाल रखे हैं फंदे डालने के बाद देखिए फर्स्ट रो में हम इस तरीके से देखिए यहाँ से तो डिज़ाइन होने वाली है बहुत ही खास आप हमारे साथ बने रहे और डिज़ाइन का लुक लेते रहें देखिए डिज़ाइन किस तरीके की है बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है आज तक की मैं गारंटी देती हूँ आपको यूट्यूब पे इस तरह की डिज़ाइन आपको नहीं देखने को मिलेगी तो फिर फुल वॉच करते रहें वीडियो में बने रहें तो देखिए यहाँ से और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें ठीक है और लाइक और सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का कोई चार्जेस नहीं होता क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि सब्सक्राइब करने का पैसा पड़ता है या नहीं पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा मेरा हाथ चार्ज ना कट जाए तो ऐसा नहीं होता है आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब के साथ आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं तो देखिए इस तरीके से और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल पे चेकआउट कर चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारे साथ चैट भी कर सकते हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो आपको भी प्रॉब्लम आती है अब मैं उसका सॉल्यूशन आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगी देखिए यहाँ से अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ क्या और कैसे कितने फंदे कम और ज़्यादा करने हैं देखिए यहाँ से सबसे पहले हम फंदे डालेंगे आपको जितना बड़ा छोटा लेना है उस प्रकार से आप फंदे कम ज़्यादा ले सकते हैं तो मैंने इसमें लिए हैं दो चार दो छः दो, दो आठ दो दस बारह चौदह सोलह सत्रह ठीक है इस तरीके से हमने सत्रह फंदे लिए हैं आप इसे चालीस फंदों का बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बहुत ही काफ़ी बड़ा सा डिज़ाइन बनके रेडी होने वाला है आप देखिए यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे और यहाँ से तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल जो पहले की तरह डिज़ाइंस थी ना उसी की प्रोसेस है लेकिन इसकी डिज़ाइन जो है बिल्कुल अलग सी है मैं कुछ नया कुछ अलग कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती रहती हूँ कि ताकि आपको कुछ नया लुक दे सकूँ कुछ नया दिखा सकूँ कुछ नया सिखा सकूँ तो देखिए यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ें और देखिए यहाँ से इस तरीके से और धागे को करेंगे पीछे की साइड और यहाँ से क्रॉस कराते हुए आगे की साइड वाइट को ले लेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा यकीन मानिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके का मतलब तो यूट्यूब पे आपको मैं गारंटी दे रही हूँ सच में कि आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा ये डिज़ाइन ठीक है तो देखिए यहाँ से इस तरीके से और मेरी डिज़ाइंस होती हैं बिल्कुल अलग सबसे हटके होती है क्योंकि मैं जब सबसे पहले अपलोड करती हूँ उसके बाद आप देखेंगे कि उस डिज़ाइन को काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं लेकिन सबसे पहले अलग डिजाइन मैं ही देती रहती हूँ तो देखिए यहाँ से अब इस तरीके से सभी फंदों को एक साथ में बुनेंगे तो वाइट को हम वाइट से बुनते चलेंगे ठीक है यहाँ से तो थोड़ा सा समय दीजिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए तभी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो आप देखिए यहाँ से जो फंदे हमने यहाँ से एक दो तो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है हमने यहाँ पे नौ फंदे लिए और नौ फंदे के बाद एक फंदा ये व्हाइट वाला जो है हम इसे वाइट से बुनेंगे ठीक है तो आप चाहे तो इसे हाफ कलर में डिवाइड करें हाफ हाफ में मतलब हाफ जिस चालीस कर ले तो बीस फंदे इधर बना लें ठीक है अलग कलर से अब यहाँ से सभी फंदों को एक साथ में बुनेंगे इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी और आप, आप जो भी पूछते हैं मैं बताने की कोशिश करती रहती हूँ तो देखिए यहाँ से अब दो फंदा छोड़ते हुए यहीं से हम पलट लेंगे ठीक है दो फंदा छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरीके से अब यहाँ से देखें इन सभी फंदों को एक साथ में बुनेंगे तो आसानी से बिल्कुल आप इसको दे इस डिज़ाइन को देखते ही नज़र नहीं हटा पाएंगे अपनी इतनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन अब यहाँ से देखें इसे पलट देंगे इस तरीके से तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बस छोटी सी वीडियो है उसमें फुल वॉच करते रहें तो देखिए यहाँ से सभी फंदों को एक साथ में बुनेंगे इस तरीके से आपके पास इस तरीके से आप ये हमारा जो है ऊल से बना है आप इसे साड़ी या चुन्नी से जैसे भी आपके पास हो साड़ी चुन्नी छोटे छोटे कपड़े आप उससे भी डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है उसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगी तो इस तरीके से मैं बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगी देखिए यहाँ से अब यहाँ से आगे करेंगे और एक फंदा फिर से वाइट में बुनेंगे ठीक है, है एक फंदा बुनना है ज़्यादा नहीं बुनना है एक फंदा बुनना है ठीक है तो यहाँ से देखें अब इस तरीके से फिर से यहाँ पे हम दो फंदे छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे दो फंदे छोड़ने हैं पलट लेने हैं नीचे की साइड दो फंदे छोड़ देने हैं अब यहाँ से पलट देंगे ऊपर की साइड जाएंगे इस तरीके से देखिए यहाँ से ऊपर की साइड जाएंगे सभी फंदों को बुनेंगे एक साथ में यहाँ से बुनते हुए अब यहीं से हम पलट देंगे वाइट को ले लेंगे ठीक है इस तरीके से वाइट को लेंगे वाइट से बुनेंगे यहाँ से तो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर वीडियो लॉन्ग हो तो थोड़ा सा ही वाइट कीजिएगा तो देखिए यहाँ से अगर आपको बनाना है तो आप लॉन्ग होगी तभी आपकी समझ में आएगा अगर कट करके स्किप करके दिखाएंगे तो शायद आपकी समझ में कम आएगा इ, इसी वजह से मेरा मतलब ये रहता है ना कि अगर हम सिखा रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तो इस तरीके से ताकि आप आसानी से उसे बना सकें तो देखिए यहाँ पे हमारा कलर ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ पे कलर को ऐड नहीं किया आगे की साइड इसको फोल्ड करते जाएंगे जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसे कलर को ऐड कर लेंगे देखिए यहाँ से फिर से दो फंदा हम छोड़ते हुए यहीं से हम पलट लेंगे इस तरीके से दो फंदा छोड़ेंगे और पलट लेंगे बिल्कुल आपको लग रहा होगा ना अभी कि ये डिज़ाइन तो पुराना है ना ये डिज़ाइन पुराना नहीं है ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है अभी देखिए इसका लुक दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन इसी तरीके से हम यहाँ पे देखिए अब यहाँ से वाइट कलर को यहाँ से ऐड करेंगे ठीक है यहाँ से हम वाइट कलर को ऐड करेंगे इस तरीके से देखिए कलर को भी ऐड करना एक अलग तरीके का डिफरेंट होता है कि इस तरीके से ऐड किया और एक बार इसी से बुन लिया ठीक है चारों फंदों को एक बार बुन लिया थोड़ा सा मोटा होगा कोई बात नहीं हो जाता है तो उसमें आसानी से आप बनाएंगे तो बन जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती मोटा पतला नहीं होता है ठीक है अब यहाँ से सीधी साइड से लेंगे देखिए इस तरीके से हमने सभी फंदों को बुना अब यहाँ से पलट देंगे इसे उतारेंगे नेक्स्ट फंदे से एक दो देखिए इस तरीके से दो और यहाँ से आगे की साइड एक दो तीन चार पाँच और पलट देंगे यहाँ से एक दो तीन चार और पाँच और यहाँ से पलट देंगे वाइट को हम आगे की साइड ले लेंगे इस तरीके से आगे की साइड लेंगे यहाँ से देखें इस तरीके से अब यहाँ से पलट देंगे इसे उतारेंगे इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा अब यहाँ पे हमारे चार चार फंदे बचते हैं ना तो चार फंदों का अब यहाँ से देखिए इस तरीके से अब तीन फंदे बचे यहाँ पे अब यहाँ से हम क्या करेंगे एक दो तीन और यहाँ पे हमारा दो फंदा छोड़ते थे अभी तक हम यहाँ पे दो फंदे छोड़ते तो एक दो तीन चार चार सलाइयों में हमने दो दो फंदे छोड़े अब यहाँ पे एक छोड़ेंगे ठीक है यहाँ पे सिर्फ एक छोड़ना है और यहीं से देखिए पलट लेंगे पलटने के बाद ऊपर की साइड इस तरीके से ऊपर की साइड जाएंगे यहाँ से पलट देंगे ये यह देखिए यहाँ से एक दो पलट दिया सीधा लेंगे यहाँ से आप देखें यहाँ से एक और यहाँ से एक फिर से हम ब्लू कलर से बुनेंगे एक दो तीन चार और एक यहाँ से फिर से बुनेंगे यहीं से पलट देंगे एक छोड़ते हुए ठीक है फिर से पहले एक छोड़ा फिर एक छोड़ेंगे और पलट देंगे अब यहाँ से देखें इस तरीके से सभी फंदों को बुनेंगे यहाँ पे देखिए ब्लू को हम बुन लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम वाइट को आगे करेंगे इस तरीके से आगे की साइड और यहीं से हम पलट देंगे ठीक है अब यहाँ से हमने पलट दिया अब देखें यहाँ से एक इसे बुनेंगे ठीक है और देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है वो देखते हैं एक दो तीन और चार अब देखिए यहां से पलट देंगे ठीक है यहां से पलट दिया आप देखें एक दो तीन चार पांच पलट देंगे और इसे सीधी साइड से लेंगे देखिए किनारे का जो फंदा होता है उसे एक बार देखिए अब इस तरीके से सीधी साइड से लेंगे ठीक है सीधा लिया और पलट दिया आप देखें यहाँ पे मेन पॉइंट यहीं पे आता है देखिए अब यहाँ से इसे सीधा करेंगे फिर से इसे ब्लू कलर से बुनेंगे ठीक है यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे एक फंदा छोड़ेंगे और यहीं से पलट लेंगे आप देखें एक दो तीन चार और फिर से इसे पलट देंगे इस तरीके से आप देखें इसे आगे नहीं करना है फिर से इसे हम सीधी साइड से बुनना है ठीक है सीधी साइड से बुनेंगे और पलट देंगे इसे उतारेंगे और यहाँ से देखें एक दो तीन और यहीं से फिर से हम पलट देंगे एक दो तीन और यहाँ से पलट देंगे इसे सीधी साइड से लेंगे ठीक है इसे बार बार हमें सीधी साइड से बुनना है इस तरीके से अब यहाँ से देखें इसे उतारेंगे और इसे क्या करेंगे आगे की साइड करते जाएंगे ताकि हमारा धागा जो है एक साथ में इसी में लिपटता चला जाए कोई प्रॉब्लम ना हो देखें इस तरीके से आप अगर उल्टी साइड से इसे बनाएंगे ना तो उल्टी साइड से भी इसकी बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बनेगी अब देखें यहाँ से इसे इस तरीके से बुनेंगे अब इस जगह पे देखें यहाँ से फिर से सीधी साइड से लेंगे किनारे का फंदा और देखें आप यहाँ पे हमारी एक दो तीन चार चार रो हमारी बन गई और यहाँ पे हमारा दो फंदा बचता है तो देखें यहाँ से इसे उतारेंगे और देखें एक और दो अब जो छोड़ा था इसे एक बुनेंगे ठीक है एक बुनेंगे जो छोड़े थे आप देखें यहाँ पे हमने सभी फंदों को बोल लिया यहाँ से हम व्हाइट कलर को देखें इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और देखिए यहाँ से बारह तेरह चौदह पंद्रह और यहाँ से एक सीधा लेंगे सोलह अब यहाँ से पलट देंगे देखिए अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और देखिए इस रो को कंप्लीट पूरा बनाएंगे यहाँ से इस तरीके से और सीधी साइड से लेंगे यहाँ से और यहीं से हम पलट देंगे आप देखें इसे उतारेंगे और यहाँ से एक ब्लू फंदा बुनेंगे एक फंदा बुनना है सिर्फ और यहीं से पलट लेना है ठीक है यहाँ से पलट लेंगे इस तरीके से और यहाँ से देखें इसे बुनेंगे और वाइट को हम वाइट से बुनेंगे ठीक है यहाँ से वाइट को हम वाइट से बुनेंगे और पलट लेंगे अब यहाँ से देखें इसे उतारेंगे और देखिए नेक्स्ट फंदे से एक दो दो फंदे बुने और यहीं से पलट लेंगे ठीक है कोई फंदा हमें कम ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है दो फंदे एक दो सीधा लेंगे और इसे सीधी साइड से बुनेंगे ठीक है किनारे का फंदा जैसे हमने यहाँ पे किया वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है ठीक इसे हम करते हैं इस तरीके से देखिए एक बार और देखिए यहाँ से एक सॉरी यहाँ पे हमें ब्लू से बुनना था इस देखिए यहाँ से एक दो और यहाँ पे इस तरीके से तीन इसी तरीके से हम नीचे की साइड एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे यहाँ तक कि हमें एक एक फंदे नीचे की साइड बढ़ना है इस वाइट कलर को ऐड करते हुए नीचे की साइड आना है फिर नीचे की साइड ये बनाना है इसी तरीके से बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से हमारी पुरानी आ, इस प्रकार से हमारा फाइनल लुक बन के रेडी हो गया एक पत्ती के डिज़ाइन ये देखिए यहाँ पे बन गई इसी प्रकार से बार बार इसे कंटिन्यू बनाएंगे इसी तरीके से आप चाहे तो गोल्ड आ, डिज़ाइन में आप चाहे तो स्क्वायर डिज़ाइन में देखिए चलिए इसके डिज़ाइन दूसरी दिखाते हैं